बस अभी बज रहा रात का 2 और हम लोग निकल गया है वारी छोड़ा के लिए। यहाँ से अंधेरा बोर्ड है, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा कुछ, तो कैमरा का एंगल थोड़ा सा तेरा हो रहा है कैमरा का एंगल, पता नहीं आगे जाके मैं ठीक करूँगा, तो अभी बंद कर देता हूँ, कुछ दिखाई नहीं देगा आप लोग को, तब उजला हो जाएगा तब देख। सो गाइस जस्ट अभी बोको क्रॉस करके अभी पहुंच गया हूँ, डूबदरा क्रॉस करके अभी पहुंचने वाला हूँ डूबनोई, और इस बीच में हम लोग एक दो बार रुका हूँ क्योंकि मुझे नींद ज़्यादा लग रहा है अभी, बहुत ही ज़्यादा। और जस्ट हम लोग घुस गया हूँ डूबनोई से तुरा वाला रोड, और यहाँ से बहुत ही दूर है अभी, लगभग 96 किलोमीटर जैसा होगा वारीछोरा। बीच में रुक रुक के जाना पड़ेगा हम लोग को, जैसे कि जहाँ से हम लोग रुक गए हूँ कि यहाँ गाड़ी तो इतना है नहीं, फिर भी छोटा छोटा गाड़ी सब चल रहा है, पर यहाँ से थोड़ा टोटल देख के जाने पड़ेगा क्योंकि बहुत ही लेट हो गया हूँ। और आज प्लानिंग है कि घूम के जाने का, लेकिन वो तो हो नहीं पाएगा शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। सो गाइस ये लोकल मार्केट है छोटा सा, बहुत ही रस्त है गाइस, गाइस रोड तो बहुत प्यारा है लेकिन आसपास में गांव कहीं पे एक, यहाँ पे एक घर है और आगे पे एक घर है, इस तरह सा गांव है ये लोग का कहीं कहीं, और इसके पीछे यानी पहाड़ों के बीच जो मार्केट एरिया है कुछ इस तरह सा रहता है। ये हो गया मार्केट गांव गांव के बीच में। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस इंट्रो नहीं दिया था अभी तक, और अभी हम लोग पहुंच चुका हूँ कई रोंगजेंग बोल के एक जगह है, सो यहाँ से 40 किलोमीटर और है वारीछोरा, और अभी एक मस्त लोकेशन देखने चुका हूँ अभी, बहुत टाइम के बाद कुछ खाया भी नहीं अभी तक, और देखता हूँ आगे जाके। तो मेरे साथ है पॉली, पॉली एक बार हाय बोल दो। हाय। तो पॉली आया है यार, और चलिए गाइस निकलते हैं, और फटक से आज सोच रहा हूँ कि रिटर्न भी हो जाऊँ आज नहीं, सो इसलिए अभी यहाँ से तो एक भैया को मिला था, भैया ने बोला कि यहाँ से और 40 किलोमीटर जैसा है, तो देखता हूँ जाके आगे जाके, उसके बाद प्लानिंग है, प्लानिंग तो है कि आज वारीछोरा जाके विजिट करके और वापस घर पहुँचूँ, लेकिन शायद हो नहीं पाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। और ये खूबसूरत सा नज़ारा दिखेगा गाइस, वाह, मेरे इंस्टाग्राम में मिलेगा आप लोग को ये सब पिक, अभी एक दो तो फोटो शूट करेंगे उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे और आगे तक। चलो गाइस मिलते हैं आगे आप लोग को। सो गाइस रोड बहुत प्यारा है, रोड काफ़ी सही है, लेकिन कट्स इतना ज़्यादा है ना, इसका वजह से मुझे 30-40 करके चलाना पड़ रहा है, लगता है ब्रिटिश ज़माना का ब्रिज से, ब्रिटिश लोग बनाने वाला ब्रिज, और अभी भी दिखा रहा है यार बहुत दूर है वारीछोरा, टाइम से कंटिन्यू चला रहा हूँ लेकिन अभी तक पहुँचा नहीं हूँ, और अभी भी दिखा रहा है 3 आवर्स रहा है गूगल मैप में, ये है कि नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ से थोड़ा रास्ता ख़राब है, ऑफ रोडिंग शुरू हो गया यहाँ से, शायद बड़ा गाड़ी चलता होगा इसलिए रोड का कंडीशन थोड़ा ख़राब हो गया है, क्योंकि इतना गर्मी है ना यहाँ, मेरा सारा जैकेट उतर गया, सिर्फ राइडिंग जैकेट पहन के बैठा हूँ अभी, उसमें भी गर्म लग रहा है मुझे, और मेरा आवाज़ सुन के आप लोगों को पता चल गया होगा मेरा हालत, लेकिन आज करना है तो करना ही है भाई, इतना सुबह नींद छोड़ के आया हूँ तो उसको मैं छोड़ के नहीं जा सकता। लगभग 10 या 15 किलोमीटर पूरा ऑफ रोड गाइस, अभी तक अच्छा रोड मिला ही नहीं, उस टाइम से ऑफ रोड ही करके आ रहा हूँ, और मेरा फिर 3 आवर्स कैसा झेल रहा है पता नहीं, नॉन स्टॉप चल रहा है, उसको भी थोड़ा रेस्ट देना ज़रूरी है, अभी थोड़ा हल्का यहाँ पे अच्छा है, उसके और आगे जाके थोड़ा और ख़राब मिल जाएगा, बस ऐसे ही, आज तो रिटर्न होने का चांस है नहीं गाइस, लग रहा है मुझे जाके सीधा होम स्टे ही बुक करना होगा, और रेस्ट करके कल या तो
घूमना होगा क्योंकि अभी तक पहुंचा ही नहीं हूँ डेस्टिनेशन में। मेरा तो कुछ नहीं है, बात पॉली का थोड़ा सा कमर उमर दर्द हो गया है। मेरा तो एक्सपीरियंस है, मेरा कुछ हुआ नहीं अभी तक। लग रहा है कि अगर मैं रात को लौटू यहाँ पे, मेरा लाइट ऐसे भी ख़राब है मेरा लाइट, और इस जगह दो और सिर्फ दो लोग नामुमकिन। हमसे ढूंढता हूँ पहले तो। चलो गाइस, मिलता हूँ आप लोगों को थोड़ा आगे। मैं थोड़ा रोड का वजह से आप लोग से ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे रोड को भी देख देख के चलाने पड़ रहा है। हो रहा नदी पूरा ब्लू ब्लू हो रहा है, और मतलब लग रहा है कि ज़रा दूर नहीं है हम लोग का डेस्टिनेशन। ओ नीचे जाने पड़ेगा। भाई वारी छोरा का रास्ता किधर से है? वारी छोरा का रास्ता ये वाला रास्ता है ना? राइट लेना पड़ेगा ना। थैंक यू। यहाँ का लोकल्स बहुत ही समझदार है, बहुत ही हेल्पफुल है। हाँ, तो सर भी मुझे मिला था, उस समय मेरा कैमरा ऑन नहीं था, फिर भी बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया, यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ। बहुत ही हेल्पफुल है यार, बहुत ही अच्छा लगा। सब फ्रेंडली है, किसी से भी एड्रेस पूछ लो एकदम बराबर बोल देगा। हाँ राइट लेना है। अच्छा 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 अच्छा, ये सीधा जगह था बाघ मारा। ये स्ट्रेट ये बाघ मारा और इधर में है। वाड़ी सर सर हंस नहीं सकेगा, कुछ के लिए बन ही गया। अच्छा, अगर हम लोग वहाँ होम स्टे में रुकेगा बोलने से भी नहीं सकेगा, नहीं सकेगा ना। हाँ सर, हाँ सर, हम लोग वाड़ी सर में जाएगा सर। आज तो नहीं सकेगा, आप लोग उधर में होम स्टे है ना। हाँ हाँ, एक दिन रुकना पड़ेगा तो। हाँ होम स्टे में रुक जाएगा हम लोग एक दिन। आज तो नहीं सकेगा, नहीं आज तो हम लोग का वो सर वो गारो इसमें फ्रेश रिलीज किया है तो डिश का ऑर्डर है तो। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नेक्स्ट ईयर में ये ज़्यादा आदमी मर गया ना स्टार मंदिर में, ज़्यादा आदमी मर गया है तो शराब पी के ना। अगर हम लोग होम स्टे में जाके रुकेगा तो ना पड़ेगा, नहीं सकेगा आज तो। होम स्टे में जाके रुक नहीं सकेगा ना। सकेगा सकेगा ना। आप साथ में किसके आएगा? हाँ हाँ, होम स्टे में भेज देगा सर। ओह बोले थैंक यू सर। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो हम लोग टूरिस्ट है बोल के आने दिया आज, वरना आज अलाउड नहीं है आने के लिए। और आज तो हम लोग को भी अलाउड नहीं है जाने के लिए क्योंकि आज ज़्यादातर आदमी लोग पिकनिक खाने जाता है वहाँ पे, सो इसके लिए थोड़ा रस हो जाता है। सो हम लोग को अलाउड किया कि आज हम लोग होम स्टे में रहे, और उसके बाद कल हम लोग जाएंगे वारी छोरा। और अभी सर बहुत ही फ्रेंडली था, बहुत ही आप लोग देखा ही होगा वीडियो भी, अच्छे से बात करता है सर लोग, यहाँ का एक्सप्लेन करता है बढ़िया से, और टूरिस्ट बोलने से बहुत ही अच्छे से समझा देता है। अगर हम लोग को आज रिटर्न कर देता सर तो इम्पॉसिबल, हम लोग तो मतलब कैसे जा सकता है ना, इतना दूर आया है उसके लिए तो नहीं जा सकता था घूम के भी। सो मैं सोचता था कि कुछ करे, तो सर ने और एक सर से पूछा, बड़े सर से, तो सर अलाउड कर दिया है। और ये रहा कुछ इस तरह का नदी है, तो बाजार है आगे। तुम सही बोला, ये भी दरिया है, ये बाजार है, छोटा मोटा बाजार है। भाई हमें होम स्टे कहाँ मिलेगा? होम स्टे कहाँ मिलेगा? होम स्टे उधर में एक तो मिलेगा, वो रेमा हॉस्टल है ना। हाँ, वो रास्ते में देखा कि ना? देखा नहीं, देखा तो थोड़ा सामने में इधर में और आगे यहाँ में है।
इधर भी मिलेगा, इधर में इधर में और रास्ते से जाते हैं ना, ये अभी बदल है ना, इधर ये रास्ता है ना, हां इधर से हां। कहां से आप लोग आए? हम लोग आया गुवाहाटी। गुवाहाटी से आया तो दूर, ठीक है देखते हैं। ओ कांटेक्ट है कि नहीं? कांटेक्ट नंबर? कांटेक्ट नंबर नहीं है तो ओ इधर में है आदमी, तो जाके देखता है एक बार, कोई होगा शायद। जाके देखता है उधर में कोई होगा शायद। गर्मी तो नहीं होगा भाई इधर में, आज तो क्या हो रहा है ना, वो फसल को इधर में बहुत क्या लगा के। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए ना ये नीचे में पानी में ना ओना, तो यही पे है उसका मालिक यहाँ में। हाँ इधर में है बाइक भी। ओ बाइक पे कहाँ चला गया? मिलेगा नंबर अभी दीपक का नंबर मालूम है? दीपक नहीं, एक बार हम देख लेते हैं जाके। हाँ संग जो सुन ना, एक बार ना पले जाए हो ना, इतु हो इतु हो देखा से ट्राई मारे सामने भैया। आगे में होमस्टे मिल जाएगा ना? आगे में होमस्टे मिल जाएगा? मिल जाएगा ना। अच्छा थैंक यू। कौन डिगे इतु है? हाँ सो गाइस, बोर्ड होमस्टे ढूंढने के बाद ये एक होमस्टे मिला है। ये भी हम लोग का रूम नहीं है, किसी और का रूम है जो कि बुकिंग करके वो लोग आ रहे हैं। सो हम लोग बस वो लोग आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, और तब तक बोला कि ओनर या मैं बोला कि हमें आप लोग रेस्ट कर सकते हो, इसलिए पॉलिस देखिए थक गया बेचारा सोया हुआ है, और चार सौ लगाया यहाँ पे, और मैं भी थोड़ा बाद में सर्च कर लूँगा, थोड़ा सो जाता हूँ, कुछ खाया नहीं अभी तक, और खाने का मन भी नहीं क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा लग रहा है। अभी सो जाता हूँ, और जो नहीं आएगा वो ये लोग बुकिंग करने वालों तो उनको ये रूम मिल जाएगा, और वो आ जाता है तो हम लोग तेल में सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अब उनका चलता है कहीं भी। सो थक गया अभी बहुत ज़्यादा, मेरा हालत देख के आपको पता लग गया होगा। सो चलो थोड़ा बाद में मिलते हैं, रेस्ट हो जाता हूँ, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके उसका मिलता हूँ हम लोग को। देखो गाइस, हम लोग अभी खाना वाना खा के एक सुंदर सा लोकेशन में बैठा हुआ है, और यहाँ से थोड़ा आगे हम लोग का होमस्टे है। पॉली कैसा लगा आगे? पॉली का हालत देखो ना, पॉली का हालत ख़राब हो चुका है। कुछ देर के लिए तो आवाज़ नहीं निकल रहा था इसका, अभी थोड़ा खाना वाना खिलाया है तो अभी थोड़ा आवाज़ वास आया है, लौंडे में अभी जान आ गया थोड़ा सा। और गाइस क्या बोलूँ, मतलब हम लोग जब आया था तो पूरा थक ही गया था ऑलरेडी, और जाके सो ही गया, कुछ खाया भी नहीं, और मतलब कुछ था ही नहीं बदन में, कुछ भी ताकत नहीं था। तो अभी थोड़ा फ्रेश होके अभी खाना वाना खा के थोड़ा आया हूँ। छोटा छोटा स्टॉल रहेगा आज, तो ज़्यादा था स्टॉल क्योंकि आज स्टार मंडे है इसलिए, और वही भी हम लोग भी खा के आया हूँ। अभी थोड़ा सा हम लोग होमस्टे उधर ही, तो थोड़ा यहाँ पर चिल मरेंगे हम लोग दोनों। ये हम लोग का बसंती। सो गाइस, अभी आप लोग को हम लोग का होमस्टे दिखाता हूँ जो कि आरेंग होमस्टे है, और इस गांव का नाम है ईमान ग्रे। और गाइस देखिए, काफ़ी प्यारा है, खूबसूरत सा नज़ारा है ये होमस्टे का, और यहाँ पे आप लोग कैम्प भी करके रह सकते हो। और अभी आप लोग को ऊपर जो कैम्प साइट है वहाँ पे लेके जाता हूँ हम लोग, चलिए। কালে লেক লেক নহয় আছে তো এই মুড়াটো খালে দাম বাড়ি ছাড়া বাড়ি ছাড়া আমি বাইরে বাইরে লাগাম কোন জায়গা তাহলে আমি যাই ঘর গেছি বনিয়া सो गाइस, ये रहा कैंप साइट, और देखिए खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ में भी, और ये आरेंग होमस्टे का ही है। अगर आप लोग यहाँ पे खुद से बना के भी खा सकते हो, यहाँ पे खुद से बनाने का सिस्टम भी है, और यहाँ पे बॉनफायर होता है। और गाइस काफ़ी बढ़िया प्लेस है, और इसका प्राइस मैं बोलता हूँ, अगर रूम लेते हो आप लोग तो 500 एक पर्सन का पड़ता है,
और अगर आप लोग कैंप में रहते हो तो 250 एक जन का पड़ता है, और ब्रेकफास्ट डिनर और लंच वो एक्स्ट्रा पड़ता है आप लोग को। ये है छोटा वाला कैंप जो कि सिंगल कैंप है, और ये है डबल वाला कैंप। सो चलिए आप लोग को मिलता हूँ नीचे, देखता हूँ गाइस। बाकी नीचे है ये होम स्टे हो रहा, वो नीचे में वहाँ में होम स्टे हम लोग का, और हम लोग का रूम नहीं मिला इसलिए हम लोग को टेंट में रहना पड़ेगा। सो कोई नहीं, मज़ा आएगा आज का रात। सो गाइस अभी हम लोग का कैंप ऊपर में लगाया हुआ है, वो दिखा रहा हूँ आप लोग को। आओ आओ ऊपर चलते, हम लोग का है हम लोग के लिए। थैंक यू। ये सब बोटें सुबह के रखा है, और ये रहा हम लोग का टेंट जो कि हम लोग को यहाँ पे दिया है दोनों के लिए। मजा आ जाएगा सोने में, बड़ी भाई सो गया, मजा आएगा। चलो डबल कर दिया, ये लोकेशन भी ख़राब नहीं है ना, ऐसे ऐसे दिखाऊँ मैं। वाह हेलो गाइस, डिनर हो गया हम लोग का अभी, और अभी टाइम हो रहा है 9 बजे। और यहाँ का ऐसा है कि आपका देखिए पूरा लाइन कट गया है ये गांव में, जो कि इमंग्रे गांव का नाम है। 9 बजे पूरा लाइन कट देता है करें यहाँ में। सो हम लोग भी मतलब फटाफट से खाना वाना खा लिया, अभी डिनर कर लिया, अभी हम लोग भी जा रहे हैं सोने। तीन घंटा का बाद लाइन देते हैं उसका, और इसका बाद और कुछ सिस्टम है यहाँ का, और इसका बाद और 10 बजे लाइन आएगा। सो सुबह को 5 बजे और सुबह और 5 से 9 ऐसा कुछ है ये लोग का सिस्टम, मतलब 24 आवर्स या नहीं आता है यहाँ में करंट, पता नहीं किस रीज़न है। शायद ओनर बोला था कि हाँ अभी फटाफट खाना खा लो तो लाइन कट जाएगा, तो हम लोग जाके फटाफट खाना खा लिया। खाना बहुत अच्छा था, बहुत ही मज़ेदार खाना है, और अच्छा लगा, घर का खाना जैसा मस्त लगा एकदम अच्छा से। सो अभी थोड़ा नींद भी आ रहा है, सो जाता हूँ। और दैट्स इट गाइस, ये वीडियो यहाँ तक एंड करने वाला हूँ मैं, क्योंकि वीडियो लंबा करने से आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा और लंबा हो जाता है वीडियो। और कल का जो नया वीडियो आने वाला है वो रिसोरा का, तो कल वो नया वीडियो तो कल आप लोग वहाँ पे देखिए, और ये वीडियो आज ये पेन कर दो। बाय बाय बोल दे, बाय बाय। तो गाइस बाय बाय, आज रात यहीं पे गुजरता हूँ। ये रहा हम लोग का टेंट, और एक बार देख लीजिए यहाँ पे फ्लैश लाइट जला के रखा है, पावर बैंक, फ़ोन चार्ज हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का हेलमेट वगैरह, और बाहर अंधेरा है पूरा। दैट्स इट गाइस, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। टिल देयर टेक केयर, डू व्हाट एवर यू वांट माय लवली फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। पॉली बाय बाय, बाय बाय।